ठोस अवस्था नामक चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है ठोसों में निविड़ संकुलन। अब ठोसों में निविड़ संकुलन होता कैसे है इसके बारे में जान लीजिए। जैसे कोई भी ठोस होता है, ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं एक दूसरे से अंतरार्विक बल द्वारा बंधे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई चाक ही है, चाक एक ठोस है, ठीक है। अब इसमें जो अवयवी कण होते हैं वह एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, बंधे रहते हैं। किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? अंतरार्विक बल द्वारा बंधे रहते हैं, ठीक है। अंतरार्विक बल द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो उनमें जो रिक्त स्थान होते हैं, रिक्त का मतलब खाली स्थान होते हैं, वह बहुत न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार की संरचना को ही ठोसों में निविड़ संकुलन कहते हैं, ठीक। जैसे ईंट ले लीजिए, ईंट में जो कण होते हैं, ईंट के अंदर जो कण होते हैं वह भी एक दूसरे से बहुत अंतरार्विक बल द्वारा बंधे होते हैं। उनमें भी जो रिक्तियां पाई जाती हैं वह बहुत न्यूनतम पाई जाती हैं। यही संरचना ही आपकी ठोसों में निविड़ संकुलन का, ठीक है। तो परिभाषा हम लिखे हैं, इसको एक बार समझ लीजिए। ठोसों में जो अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित हों कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम, ठोसों में निविड़ संकुलन का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ठोसों में निविड़ संकुलन की संरचना निम्न प्रकार की होती है, निम्न प्रकार से पाई जाती है। कौन कौन सी होती है इसके बाद अगले टॉपिक पर अध्ययन करते हैं। देख लीजिए कि ठोसों में निविड़ संकुलन का जो हमारा पहला प्रकार है, एक विमीय निविड़ संकुलन, ठीक है। अब एक विमीय निविड़ संकुलन कैसे होता है? यह मान के चलते हैं कि जो हमारा अवयवी कण है वह एक ठोस गोले के रूप का है, ठीक है। यह मान के चलते हैं कि जो ठोसों में निविड़ संकुलन है वह ठोस कैसा है? एक ठोस गोले के रूप का है जिसकी त्रिज्या क्या होती है? आर होती है। अब हमारा नाम से है कि स्पष्ट है, एक विमीय निविड़ संकुलन। अब देखिए, विमा आपका जो निकलता है थ्री डायमेंशनल में होता है। थ्री डायमेंशनल में हमारा जो है उसमें केवल एक ही एक्सिस लेना है, तो हम एक विमा ले ले रहे हैं। तीन अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अब इसमें से कोई एक अक्ष ले लीजिए, चाहे जो, ठीक है। अब उसके लिए जो हमारा ठोस गोला है उसको इस पर व्यवस्थित कर दीजिए। यह ठोस गोला हमने व्यवस्थित कर दिया, ठीक है ना। एक गोला, दूसरा गोला, इस प्रकार से तीसरा ठोस, सभी ठोस एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, बंधे रहते हैं अंतरार्विक बल द्वारा, बंधे रहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि एक विमीय निविड़ संकुलन की जो संरचना है, इसमें प्रत्येक ठोस गोले के केंद्र एक ही रेखा में स्थित होते हैं, राइट। इसमें से कोई भी अक्ष हो सकता है, या तो एक्स अक्ष, या तो वाई अक्ष, या तो जेड अक्ष, ठीक है। तो परिभाषा आपकी बन गई, एक विमीय निविड़ संकुलन की संरचना में प्रत्येक ठोस गोले के केंद्र एक ही रेखा में स्थित होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, कोई एक गोला लीजिए, कोई एक ठोस ले लीजिए, मान लीजिए यही एक ठोस ले लेते हैं। अब यह ठोस कितने ठोस को स्पर्श कर रहा है, यानी यह गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? देखिए ध्यान से, यह गोला एक इधर वाले गोले को स्पर्श कर रहा है और एक इधर वाले गोले को स्पर्श कर रहा है, अर्थात जो एक विमीय निविड़ संकुलन में उपसह संयोजन संख्या होती है, वह कितनी होती है आपकी? दो होती है, ठीक है। जितने, यानी कोई भी एक गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है, और एक विमीय निविड़ संकुलन में उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है? दो, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, इस प्रकार की संरचना में प्रत्येक गोला एक ही पंक्ति में स्थित होता है और प्रत्येक गोला एक दूसरे गोले को स्पर्श करता रहता है, स्पर्श किए हुए रहता है, ठीक है ना। और यह अंतरार्विक बल द्वारा एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, बंधे रहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए आप लोग, एक विमीय निविड़ संकुलन की संरचना में प्रत्येक गोला एक दूसरे को स्पर्श करता है, एक दूसरे गोले को स्पर्श करता है, ठीक है। वह आपका एक विमीय निविड़ संकुलन की संरचना होती है, और इस प्रकार की संरचना में प्रत्येक ठोस गोला एक दो ठोस गोलों को स्पर्श करता है, एक यहाँ पर स्पर्श कर रहा है,
तो यह उसकी क्या कहलाती है, उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। और एक अभिमीय निविड़ संकुलन में जो उप सहसंयोजन संख्या होती है वह कितनी होती है, दो होती है, ठीक है ना। तो पहला प्रकार आपने जाना, अब जानते हैं द्विविमीय। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन देख लीजिए, दूसरा हमारा है, ठोसों में निविड़ संकुलन का दूसरा प्रकार है। जो द्विविमीय निविड़ संकुलन होता है वह दो प्रकार का होता है, एक आपका वर्गीय निविड़ संकुलन और दूसरा आपका षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब यह कैसे बनता है देखिए ध्यान से। आप लोगों को अभी इसके पहले बताया गया कि यह आपका क्या है, एक विमीय निविड़ संकुलन है। एक विमीय निविड़ संकुलन में जो आपका ठोस गोला होता है वह एक दूसरे को स्पर्श करता रहता है, और जिनके केंद्र कहाँ पर होते हैं, अक्ष पर स्थित, जिनके केंद्र एक ही रेखा में स्थित होते हैं। यह भी परिभाषा आप लोग बना सकते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन में। तो इसके लिए एक बीमा होगा इधर के लिए, इधर ऊपर बनाइए या तो नीचे ही भी एक बीमा बना लीजिए। इसके लिए अब देखिए, जो गोला, गोले को दो प्रकार से रख सकते हैं। एक तो हम गोले के ऊपर ही गोला को रख सकते हैं, तो गोले के ऊपर ही आप लोग रख लीजिए, गोले को ऊपर ही एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए रख देते हैं, ठीक है। कई प्रकार से रख सकते हैं गोले को स्पर्श करा के, चलिए देखिए रख दिया गया, आप लोग और भी रख सकते हैं। तो वर्गीय निविड़ संकुलन कैसे प्राप्त होगा, हमने क्या किया, यानी एक विमीय निविड़ संकुलन की एक पंक्ति को कई प्रकार से रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। अब कोई एक ठोस गोला ले लीजिए, अब किसी एक ठोस गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं ध्यान से देखिए। यह एक गोला है, इसको एक गोला यहाँ पर, दो तीन और चार, चार गोले ही तो स्पर्श कर रहे हैं, तो इसकी उप सह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी, क्योंकि एक ठोस गोले को चार गोले स्पर्श कर रहे हैं। अब वर्गीय निविड़ संकुलन कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। अब इन चारों गोलों, जो चार गोले थे, कौन सा गोला था, यानी इसी गोले को, यह सभी चार गोले स्पर्श कर रहे हैं, इन गोलों को केंद्रों को अगर हम मिला दें, इन गोलों के केंद्रों को मिला दें, तो एक वर्ग की संरचना प्राप्त होती है, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो जब वर्ग की संरचना प्राप्त होती है, इस प्रकार के संकुलन को हम बोलते हैं वर्गीय निविड़ संकुलन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपकी वर्गीय निविड़ संकुलन होता है। अगला हमारा षटकोणीय निविड़ संकुलन, ध्यान से देखिए। षटकोणीय निविड़ संकुलन आप लोग द्विविमीय निविड़ संकुलन में ही पढ़ रहे हैं, तो द्विविमीय, इसके लिए भी द्विविमीय बनेगा और इसके लिए भी द्विविमा, यानी दो बीमा बनेगा। हमने द्विविमीय बना लिया, यह आपका पहले ही बताया गया है, एक विमीय निविड़ संकुलन में प्रत्येक गोला एक दूसरे को स्पर्श करता है, जिसके केंद्र एक ही रेखा में स्थित होते हैं। देखिए अब इसके पहले हमने क्या किया कि गोले के ऊपर गोला रख दिया था, इसमें गोले के ऊपर गोला ना रखकर यहां पर हम गोला रख सकते हैं। इस खाली स्थान को बोलते हैं अवनमन, इस खाली स्थान को क्या बोलते हैं, अवनमन। तो यहां पर एक गोला हो गया, फिर यहां पर ऐसे रख दीजिए, अवनमन में प्रत्येक गोले को स्थित कर दीजिए, बन गया आपका। अब कोई एक ठोस गोला ले लीजिए, मान लीजिए हमने यही एक ठोस गोला ले लिया, ठीक है ना। अब इस ठोस गोले को लेने के बाद यह देखिए कि कितने गोले इसको स्पर्श कर रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः गोले स्पर्श कर रहे हैं ना। जब छः गोले स्पर्श कर रहे हैं, इसका मतलब यह षटकोणीय निविड़ संकुलन है, ठीक है ना। अब इसको, इन सभी गोलों को केंद्रों को मिला दीजिए, देखिए क्या प्राप्त होता है, एक षटकोणीय आकृति प्राप्त होती है। इस प्रकार के संकुलन को हम लोग षटकोणीय निविड़ संकुलन बोलते हैं, ठीक है ना। तो परिभाषा इसकी क्या कहेंगे, इस प्रकार की संरचना में प्रत्येक गोला एक दूसरे के अवनमन में स्थित होता है, इस प्रकार के संकुलन को षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। और वर्गीय निविड़ संकुलन क्या था, इस प्रकार की संरचना में प्रत्येक गोला एक दूसरे को स्पर्श करते हुए उनकी पंक्तियां और पंक्ति और कालम समान होते हैं, यह आपका वर्गीय निविड़ संकुलन कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए, जो पहली संरचना थी वही दूसरी संरचना, वही तीसरी संरचना, इसमें समान संरचना प्राप्त होती है, ठीक है। और इसकी संरचना क्या है, यहां पर संरचना अलग है, ठीक है ना, इसमें भिन्न भिन्न संरचना पाई जाती है, ठीक है। पहले के बाद दूसरा अलग है, फिर पहले की तरह हो जाएगा, फिर दूसरे की तरह, यानी भिन्न भिन्न संरचना प्राप्त होती है। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, इस प्रकार की संरचना में प्रत्येक ठोस गोले की पंक्ति
प्रत्येक ठोस गोले की पंक्ति और कॉलम एक दूसरे पर समान रूप से स्थित होते हैं। इसकी उपसहसंयोजन संख्या चार होती है, क्योंकि वर्गीय था, वर्ग में चार भुजाएं थी, तो इसलिए इसकी उपसहसंयोजन संख्या क्या होगी? चार होगी। अगला हमारा षटकोणीय निविड़ संकुलन में बताया गया, इस प्रकार की संरचना में प्रत्येक ठोस गोला एक दूसरे के अवनमन में स्थित होता है। अवनमन का मतलब जहाँ पर खाली स्थान होता है वहाँ पर स्थित होता है, इसलिए इसे षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। और इसकी उपसहसंयोजन संख्या छः होती है। कैसे? फिगर बताया गया था, फिगर में कितनी भुजाएं बनाई गई थी सबके केंद्रों को मिलाकर? छः भुजाएं मिलाई गई थी, इसलिए इसकी उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है? छः होती है। ठीक है ना, तो इतना आप लोग कंप्लीट करेंगे नोट्स में, और जो भी समस्या होगी उसको आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और नेक्स्ट।